हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर में। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फ्री फायर के लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। यस गाइस, सिर्फ 15,000 के अंदर आपको मैं फ्री फायर के लिए टॉप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वो भी गाइस 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन गाइस, जिसमें आपको तरह तरह के नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, नए नए सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, गेमिंग मोड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट प्लस गेमिंग के लिए लिक्विड कूलिंग वाला टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में फ्री फायर के लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, मतलब फ्री फायर बहुत ही ज्यादा खेलते हो, 6 घंटा 7 घंटा खेलते हो, या फिर आप कम खेलते हो, तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, इस जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर जो है उसको अल्ट्रा ग्राफिक्स पर चलाने के लिए 15,000 का जो फोन होता है वो गाइस परफेक्ट है। मतलब उससे अगर आप ज्यादा लोगे तो और अच्छा चलेगा, बट गाइस अगर आप 15,000 का लोगे या फिर उससे थोड़ा बहुत कम का भी लोगे तब भी आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स पर फ्री फायर बहुत ही अच्छे से चलाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर या फिर कोई भी गेम को चलाने के लिए एक बेस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है, साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा जीपीयू होना चाहिए, प्लस आपको डिस्प्ले भी मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले जो है गाइस ग्राफिक को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप हाई ग्राफिक्स में खेलेंगे तो गाइस प्रोसेसर तो साथ ही साथ वर्क करता ही है, बट गाइस वहां पर मल्टीटास्किंग के लिए डिस्प्ले गाइस आपका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये चीजें गेमिंग फोन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्लस गाइस आपको एक अच्छा खासा बैटरी, प्लस उसको फास्ट चार्जिंग करने के लिए फास्ट चार्जर, ये सभी गाइस अगर किसी फोन पर होता है तो गाइस एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है। तो अभी गाइस मैं आपको 15,000 के अंदर ऐसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूं फ्री फायर के लिए, जिसमें गाइस ये फीचर तो है ही, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिलेंगे। सो गाइस अभी अब हमारा जो पहला नंबर का गेमिंग स्मार्टफोन निकल कर आता है वो आता है गाइस रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। यस गाइस, रेडमी के साइड से आने वाला रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स एक ऐसा पावरफुल फोन है गाइस, उसमें फ्री फायर का अल्ट्रा पे 3 और अल्ट्रा जोड़ दो, उसके साथ साथ आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर लो, तब भी गाइस जरा सा भी लैग नहीं होगा, इस जरा सा भी लैग नहीं होगा। तो अभी गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा गाइस हमको रियल कैमरा, हमको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है, मतलब कि गेमिंग फोन में गाइस 4-4 कैमरा हमको एक गेमिंग फोन पे देखने को मिल रहा है, वो भी गाइस रियल कैमरा मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, प्लस यहां पर आपको फ्रंट में गाइस 32 मेगापिक्सल AL सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, मतलब कि 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा, वो भी गाइस डॉट होता है जो डिस्प्ले में आप देखे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा वाला आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो अभी अब हम बात करते हैं गाइस इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले गाइस इसका परफॉर्मेंस और क्वालिटी बहुत ही ओपी लेवल का है, यहाँ पर हमको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, मतलब कि फुल HD प्लस डिस्प्ले, इससे ज्यादा कोई बड़ा डिस्प्ले होता ही नहीं है गाइस, फुल HD प्लस डिस्प्ले मतलब कि मैक्स लेवल का डिस्प्ले का जो क्वालिटी होता है वो इसमें डिस्प्ले यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके रैम के बारे में तो यहाँ पर हमको 6GB रैम देखने को मिल रहा है, मतलब कि गाइस फ्री फायर गाइस बहुत ही मक्खन की तरह चलने लगेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर फ्री फायर वो 700 MB का है और यहाँ पर हमको 6GB रैम देखने को मिल रहा है, मतलब कि गाइस आप 3-4 फ्री फायर भी रख लोगे ना तब भी ये लैग नहीं होगा। और अगर हम बात करें इसके OS के बारे में, मतलब एंड्रॉइड वर्जन कितना है, तो यहाँ पर हमको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है। अब गाइस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि गाइस प्रोसेसर सबसे मेन होता है फ्री फायर को हाई ग्राफिक्स में चलाने में, अच्छे FPS में चलाने में। तो यहाँ पर गाइस हमको देखने को मिल रहा है 720G प्रोसेसर, यस गाइस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, मतलब कि अभी अभी का गेमिंग प्रोसेसर है। इसमें गाइस आपको हर एक फीचर देखने को मिलेगा, हर एक चीज फास्ट होगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो ये तो हो गया गाइस प्रोसेसर, अब बात करते हैं गाइस हम इसके बैटरी के बारे में, क्योंकि गाइस फ्री फायर का जो प्लेयर होते हैं वो गाइस सच बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा गेम खेलते हैं, मैं जिस भी बंदे को देखता हूं, तो भाई यहां पर हमको देखने को मिल रहा है 5020mAh का बैटरी, गाइस 5000+20mAh का एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, तो यहां पर समझ लीजिए 5000mAh का हाई कैपेसिटी वाला बैटरी देखने को मिल रहा है, प्लस यहां पर हमको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। तो सीधे शब्दों में बोला जाए तो गाइस यहां पर अगर आप अल्ट्रा ग्राफिक्स पर फ्री फायर खेलोगे तो हमको गाइस लगभग 4 से 5 घंटा गाइस यहां पर आराम से चला देगा। अगर गाइस आप स्मूथ ग्राफिक्स में खेलते हो तो गाइस स्मूथ ग्राफिक्स में सच बता रहा हूं गाइस कम से कम 7 घंटा तो निकाल ही देगा आराम से फोन। तो अभी हमारा दूसरा नंबर का जो गेमिंग स्मार्टफोन निकल करता है गाइस वो आता है रियलमी नार्जो 20 प्रो। यस गाइस, रियलमी नार्जो 20 प्रो बिल्कुल लेटेस्ट फोन है, 1 या 2 महीना इसको आया हुआ है, मतलब कि बिल्कुल लेटेस्ट फोन है और इसमें आपको नए नए गेमिंग फीचर देखने को मिलेगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसको प्राइस बता देता हूं, इसका प्राइस है राइट 15,000 के अंदर है, मतलब कि आप 15,000 में इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। तो अभी गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस कतई इसमें डिस्प्ले बहुत ही पावरफुल है, इसमें गाइस फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी गाइस 6.5 इंचेस का, और इस फोन का रैम जो है गाइस वो भी आपको 6GB का देखने को मिलेगा, प्लस 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो अब गाइस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है MediaTek का हीलियो G90D प्रोसेसर, जो कि अभी का लेटेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है। अब अगर हम बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में, तो यहां पर हमको 48 मेगापिक्सल का कैमरा
देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, मतलब कि यहाँ पर हमको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। तो अब गाइस यहाँ पर मैं सीधा बैटरी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको बैटरी देखने को मिलेगा 4500 mAh का लिथियम बैटरी। गाइस लिथियम बैटरी जो है गाइस ज्यादातर यूज किया जाता है सभी गेमिंग फोन में, क्योंकि इस लिथियम का जो बैटरी होता है ना काफी अच्छा बैटरी है और ज्यादातर जितने भी फोन से आ रहे हैं उसमें लिथियम बैटरी ही यूज किया जाता है। तो इसमें गाइस ये तो बैटरी हो गया 4500 mAh का, आपको थोड़ा सा कम लगा होगा पिछले वाले फोन से। बट यहाँ पर अगर हम चार्जर के बारे में बात करें गाइस तो आप सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट चार्जर है। यहाँ पर Realme का Narzo 20 Pro, जैसा कि मैंने बताया कि ये लेटेस्ट फोन है, तो गाइस यहाँ पर हमको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। फोन को चार्जर में लगाते ही गाइस आपका फोन तुरंत चार्ज होगा, मतलब कि 20 से 30 मिनट में गाइस आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। सो अभी हमारा तीसरा नंबर का जो गेमिंग स्मार्टफोन निकल आता है गाइस वो आता है Redmi के साइड से। यस गाइस Redmi का Note 10 अभी का लेटेस्ट फोन है, आपको पता ही होगा Redmi जो बहुत सारे फीचर्स निकालता है, तो यहाँ पर हमको Redmi Note 10 में और भी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेगा। बट गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर दो यार, क्या कर रहे हो, देखो कितना कम सब्सक्राइबर है। अगर गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे गाइस तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, गाइस इतना अच्छा अच्छा वीडियोस आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एक बार सब्सक्राइब करो गाइस, हम आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाकर देंगे गाइस। प्लीज हमें एक बार मौका तो देकर दीजिए गाइस, एक बार प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद गाइस आप देखिए आपको फ्री फायर से बेस्ट बेस्ट टॉपिक्स ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा, वो भी आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। तो प्लीज गाइस एक बार मौका देना ना भूलिए गाइस, एक बार सब्सक्राइब ही कर दीजिए गाइस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके रैम और मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमको 6 GB का रैम देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शॉकिंग की बात है, 1000 कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको 6 GB रैम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया इसके 15000 का जो फोन होता है उसमें आपको 4000 कैमरा प्लस आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 48 मेगापिक्सल का रियल कैमरा प्लस आप 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कैमरा और साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो गाइस यहां पर भी आपको सोनी का 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो गाइस कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस आप फ्री फायर खेलने के साथ साथ आपको कैमरा भी चाहिए अच्छा खासा, जिसमें आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सको, तो गाइस ये फोन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये लेटेस्ट भी है प्लस आपको अच्छा खासा कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आप इसमें फ्री फायर अल्ट्रा काफी बार खेलोगे गाइस या फिर इसमें आप 2-3 अल्ट्रा और जोड़ लो तो गाइस फिर भी ये फ्री फायर का बहुत मक्खन की तरह चलाएगा। तो हमारा जो चौथा नंबर का फोन है गाइस वो है पोको X3। पोको X3 जो है गाइस अभी का फोन है, पोको के साइड से बहुत ही अच्छा अच्छा फोन देखने को मिलता है, वो भी कम प्राइस में अच्छा अच्छा गेमिंग फोन। तो यहाँ पर हमको 15000 में ये फोन देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर हमको बैटरी जो है गाइस वो 6000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल रहा है, मतलब कि गाइस फ्री फायर अगर आप खेल रहे इसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स में तो सोचो गाइस कितने घंटे तक ये बैटरी बैकअप देगा, मतलब कि 7 से 8 घंटे आपका अल्ट्रा ग्राफिक्स पर चलेगा, मतलब गाइस कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर हमको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर हमको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। तो अगर गाइस आप पोको लवर हो तो गाइस ये फोन आपके लिए बेस्ट है पोको के साइड से, क्योंकि गाइस कोई कोई बंदे होते हैं वो Redmi के लवर होते हैं, Samsung के लवर होते हैं, पोको के लवर होते हैं या फिर Realme के लवर होते हैं, मतलब उन लोगों को सिर्फ वही फोन पसंद है, उनका फेवरेट फोन वही है, बाकी कोई भी फोन उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर गाइस आप पोको लवर हो या फिर Redmi लवर हो तो पहले फोन बताएं उसको ले लेना, या फिर गाइस अगर आप पोको लवर हो तो ये फोन को गाइस मिस मत करना, है बहुत ही अच्छा फोन है। तो यस गाइस पोको का अभी का लेटेस्ट फोन बहुत ही ज्यादा आ रहा है, तो ये भी गाइस बिल्कुल लेटेस्ट फोन है और इसका प्राइस जो है गाइस वो 14,499 रुपए है। तो जैसा कि गाइस आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक का जितने भी फोन बताए हैं सभी में गाइस आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और गाइस हर फोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। तो भाई यहां पर भी आपको क्वाड कैमरा ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रियल कैमरा पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ गाइस इस फोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर हमको 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, जो कि आता है लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ। तो इस फोन पर गाइस अगर फ्री फायर को हाई FPS अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेलोगे तो यहाँ पर आपको 5 से 6 घंटा फ्री फायर आराम से चल जाएगा, वो भी हाई FPS हाई फ्रेम रेट पर। और गाइस जो अगर आप स्मूथ ग्राफिक्स पर खेलोगे गाइस तो 7 घंटा से ऊपर ही सभी फोन्स निकालेंगे, क्योंकि ये सभी तक का जितने भी फोन बताए उसमें रैम बैटरी प्रोसेसर हर चीज बहुत ही अच्छा अच्छा है। तो अभी गाइस जो बंदे ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उसके लिए गाइस दिल से थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत ही अच्छे बंदे हो, भगवान आपका हमेशा ख्याल रखे। और गाइस अगर मेरे साथ आप ऐसे ही जुड़ना चाहते हो, फ्री फायर के नए नए वीडियोस देखना चाहते हो, तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। गाइस मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और आपको कोई भी ऐसा डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसमें आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। आपको कोई सा भी ऐसा कंफ्यूजन होगा तो तुरंत बताइए, मैं आपको तुरंत कमेंट पर रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कमेंट कर सकते हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।